बिहार विधानसभा चुनाव भले ही 2020 में होने हैं, मगर चुनाव की चुकभगाहट अभी से तेज होने लगी है। यही कारण है कि आरजेडी खुद को मजबूती देने के साथ जेडीयू पर तल्ख तेवर अख्तियार किए हुए है। आरजेडी राज्य सरकार की नीतियों की पोल खोल रही है। अब तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। लोकसभा चुनाव में भले ही राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हो, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता से दूर रखने के लिए आरजेडी हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ पार्टी नेता तेजस्वी यादव आरजेडी को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर ट्विटर से शब्द बाण छोड़े हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार से सवाल किया कि नीतीश जी से कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर सवाल करेंगे तो वो बौखलाहट में मीडिया को ही प्रवचन देने लगेंगे। वो आत्ममुग्धता में अपनी ही सरकार के आंकड़ों को झुठला देते हैं। क्या वो बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आंकड़ों को नकार सकते हैं? कौन है इसका जिम्मेवार? इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं कहना, अन्यथा वो विपक्ष समेत मीडिया और जनता को फिर कहेंगे कि इन सभी को ABCD और क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा था और कहा था कि अगर बिहार नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। तेजस्वी के इन तल्ख तेवर से साफ जाहिर है कि आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कड़ी चुनौती दे सकती है। ऐसे में जेडीयू तेजस्वी के सवालों का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।